क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहां बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का, हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800-2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे, हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी, कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डुल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी माती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख भी चौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता है, अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहां रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई परसों रात, हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिलकर लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी सीबीआई आईटी इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से उसको विराम देना है। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ। कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई, 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारी हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्योरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60-62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा था। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास, इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है किसी भी दल से ज्यादा, क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली।
हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे।